हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 5 फरवरी 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये निकल कर आ रही है ई ऑक्शन के रिगार्डिंग। चैनल पर हमने आपको कुछ दिन पहले ये अपडेट दी थी कि जो हमें नए ब्रॉडकास्टर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि अभी जो स्टार स्पोर्ट्स के पास राइट्स हैं वो आईपीएल 2022 के बाद खत्म होने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो बिडिंग हमें करते हुए देखने को मिलने वाली है, जहां पर स्टार नेटवर्क, इनके साथ ही सोनी, इनके साथ ही अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और इवन डिज्नी भी हमें आईपीएल के राइट्स के लिए इस बार बिडिंग करने वाला है। तो इनका एक ई ऑक्शन कंडक्ट जाना है और इस ई ऑक्शन की डेट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, जहां पर मार्च के आखिरी वीक में आप लोगों को ये ई ऑक्शन कंडक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, जिसके बाद हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कौन सा जो एक प्लेटफॉर्म है वो जीतता है, जहां पर आप लोग उसके बाद आईपीएल को लाइव देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है बीसीसीआई की तरफ से, जहां पर बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 2024 से हर एक साल आईपीएल में 94 मैच करवाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को 10 टीमें देखने को मिल रही हैं, तो अगर 94 मैचेस होंगे तो आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से बीसीसीआई फिर से आईपीएल के पुराने फॉर्मेट में ही वापसी करेगी, क्योंकि इस बार और आईपीएल 2023 का जो आईपीएल होने वाला है उसके फॉर्मेट में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली दो अलग अलग ग्रुप्स में टीमों को डिवाइड किया जाना है, जो बीसीसीआई के द्वारा फॉर्मेट हमें बताया गया था। लेकिन 2024 से क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस 94 करने की प्लानिंग हो रही है, जिसका मतलब है कि फिर से जैसे अभी तक IPL चलता हुआ आया था उसी तरीके से IPL प्रोसीड होगा 2022 और 2023 में। बस BCCI इसलिए इस जो ग्रुप वाला फॉर्मेट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ताकि नंबर ऑफ मैचेस कम हो तो BCCI इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की तरफ से, जहां पर विराट कोहली के 100 टेस्ट मुकाबले के रिगार्डिंग सौरव गांगुली ने एक अपडेट दी है, जहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि विराट कोहली का जो 100th टेस्ट मुकाबला होगा वो बेंगलोर में ही खेला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैंस भी इस बात को चाहते थे कि अगर विराट कोहली का जो टेस्ट मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला था वो दिल्ली में नहीं हो पाया पॉसिबल, तो ये बेंगलोर में होना चाहिए। तो गांगुली ने कंफर्म कर दिया कि विराट अपना 100वां टेस्ट मुकाबला बेंगलोर में ही खेलेंगे, और उसके साथ ही ये जो टेस्ट मुकाबला होगा ये एक डे और नाइट टेस्ट मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में। पंजाब किंग्स से रिलीज किए जाने के बाद फैंस काफी ज्यादा गुस्सा थे, और शाहरुख खान ने इस बारे में बताया है कि पंजाब किंग्स की टीम के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उनको हमेशा एक घर की तरह ही फील हुआ पंजाब किंग्स की टीम में, क्योंकि अनिल कुंबले भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और उन्होंने बताया कि पंजाब किंग्स के टीम के मैनेजमेंट की तरफ से भी उनको ये क्लियरली बता दिया गया था कि जिस तरीके से भी वो खेलना चाहते हैं पंजाब किंग्स की टीम उनको वो फ्रीडम देगी, और पंजाब किंग्स की टीम बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करेगी कि वो इस तरीके के स्टाइल से क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो शाहरुख ने कहा कि उनको उम्मीद भी थी कि पंजाब की टीम उन्हें रिटेन करेगी, लेकिन उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया तो भी उनको कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उनको अपने हिसाब से सोचना था। तो पंजाब के लिए बस यही है कि अगर उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इनको रखा ही था तो ये इनको रिटेन भी कर सकते थे, क्योंकि शाहरुख खान आने वाले मेगा ऑक्शन में बहुत बड़ी बिड हमें अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, जहां पर हमें पता है कि MSD अब सिर्फ IPL खेलते हैं, और IPL के अलावा वो बाकी चीजों पर अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और MSD से जुड़ी हुई ऐसी ही एक और चीज लॉन्च होने वाली है उनके फैंस के लिए, जहां पर एक ग्राफिक नोवेल बनाया जा रहा है और इसका नाम है अथर्वा, यानी कि एक तरीके से ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप की आपको देखने को मिलेगी, और अमेजॉन प्राइम के ऊपर ही टेलीकास्ट होगा, और इसका ये आप इसको शो बोल लो या फिर जो भी ये चीज़ है, इसके कवर पर महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगाई गई है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसका पोस्टर है। तो क्लियरली MSD अब स्पोर्ट्स के बाद हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले के रिगार्डिंग, जहां पर इसके ऊपर हालांकि कोविड का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन इससे KL राहुल अनअवेलेबल हो गए हैं पहले मुकाबले के लिए, यानी कि जो फर्स्ट मैच होगा, जो फर्स्ट मुकाबला हमें वेस्टइंडीज और भारत के बीच देखने को मिलेगा, उससे KL राहुल ने खुद को अनअवेलेबल कर लिया है, क्योंकि उनके सिस्टर की हमें मैरिज देखने को मिलने वाली है, और उसके बाद KL राहुल आएंगे और वो भारतीय टीम के बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी जो डेट बताई जा रही है बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन करने की वो है 6 फरवरी, और ऐसे में पहला मुकाबला वो हमें स्किप
करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि सिर्फ पहले ही मुकाबले को वो स्किप करेंगे, क्योंकि जब तक दूसरा मुकाबला होगा तब तक वो अपने बायोसिक्योर बबल से पूरी तरीके से फ्री हो चुके होंगे। और उसके बाद बचे हुए सीरीज के जितने भी मुकाबले हैं उन सभी में केएल राहुल आपको भारतीय टीम के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है सभी आईपीएल टीमों की मेगा ऑक्शन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। तो आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स थे कि हर एक टीम की मेगा ऑक्शन स्ट्रेटजी की आपको वीडियो चाहिए, और ऐसे में इतनी सारी टीमों की अब इंडिविजुअल वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑक्शन है वो काफी ज्यादा पास आ चुका है। तो टीमें अगर हम एक दिन में एक भी कवर करते हैं तो काफी ज्यादा दिन लग जाएंगे। तो ऐसे में सभी टीमों की मेगा ऑक्शन की एक ही स्ट्रेटजी वीडियो एक ही पूरी वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप लोगों के पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएगी, और आप लोग अपनी फेवरेट टीम के ऑक्शन की स्ट्रेटजी, इसके साथ ही पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, अपने बैलेंस पर्स के अंदर रहते हुए आपकी फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल टीम को टारगेट कर रही है, यही सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले जान पाओगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है हर्षल पटेल की तरफ से। हर्षल पटेल जो कि आईपीएल के लास्ट सीजन में हमें सेकंड सबसे ज्यादा विकेट लेते हुए देखने को मिले थे, उन्होंने कहा है कि वो रोहित शर्मा के अंडर भी खेलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा एक काफी ज्यादा काम कैप्टन है, और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुंबई इंडियंस में वो हर एक प्लेयर को वो करने देना चाहते हैं जो कि वो चाहता है, यानी कि वो प्लेयर पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालते, और ऐसे में रोहित शर्मा एक आइडियल कैप्टन हो सकते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से काफी ज्यादा उनको यूज कर सकते हैं अपनी टीम में। तो इससे पहले हर्षल पटेल ने सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीजें बोली थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि मेगा ऑक्शन से पहले हर्षल पटेल बहुत ही ज्यादा सही जा रहे हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। इसके साथ ही इन्होंने दो बड़ी टीमों जो कि हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से भी बोल दिया ताकि वो भी इनके ऊपर बिडिंग करें, और आरसीबी के बारे में भी इन्होंने तारीफ ही की थी। तो ये काफी ज्यादा चालाकी दिखा रहे हैं मेगा ऑक्शन से पहले। आरसीबी, मुंबई इंडियंस और सीएसके तीनों ही टॉप की टीमों से इन्होंने अपने आप को बिड करने के लिए एक तरीके से उनको कन्विंस कर रहे हैं, और ये चीज काफी अच्छे तरीके से हमें काम करते हुए भी नजर आ रही है। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।